यहाँ पर फिश 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 होती है। मेरे पास रोहू है, सिंघाड़ी है, सोल है, बाम है, चिड़ा फिश है, गीरा फिश है। यहाँ पर एक फिश के बारे में मैंने सुना है, फौजी फिश इसे कहते हैं। हाँ जी, वो फौजी फिश है, उठा के लाए। हाँ जी, इसका गोश्त जो होता है वो येलो कलर स्नैपर की तरह, इसमें इसके नगर्स बनाए, बोनलेस बनाए, इसकी बिरयानी, कौरमा, जो मर्जी आप चाहें इसमें ऐड करें। ये रोहू मछली का खून पीता है बस। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं फिश मार्केट में आई हूँ। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सर्दियों में लोग ज़्यादा वो फिश को लाइक करते हैं। तो मैं फिश मार्केट में मौजूद हूँ, हम चलते हैं और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि जो फिश का रेट है वो क्या चल रहा है और कौन कौन सी फिश यहाँ पर मौजूद है। मुझे खुद नहीं फिश के बारे में इतना पता, सिर्फ इतना पता है कि फ़िश बनी है और खा लें, और मैं जाके खा लेती हूँ। आज हम इनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी फ़िश इनके पास मौजूद है और हर फिश का जो रेट है वो क्या क्या चल रहा है। हम इसे चल के पूछते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर एक फ़िश के बारे में मुझे पता चला जिसका नाम है फौजी फ़िश, और उसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि वो दूसरी फ़िश के जो ब्लड है वो चूसती है। तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। यहाँ पर फिश 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 होती है। चलें जी, हम इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सी फिश मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी फिश है यहाँ। हमारे पास रोहू है, सिंघाड़ी है, सोल है, बाम है, चिड़ा फिश है, देसी खग्गा है, सालमन है, हीरा फिश है, पॉम्फलेट है, प्रॉन्स भी है हमारे पास। ये देसी मछलियाँ हमारे पास सारी पड़ी हैं। हर जो फिश है एक एक का नाम लेके उसका रेट बताएं। हमारे पास सोल पड़ी हुई है 1600 रुपये किलो, उसमें हीरा पड़ी है 4000 रुपये किलो, उसमें सैलमन पड़ी हुई है वो है 9000 रुपये किलो, बाम मछली है वो है 700 रुपये किलो, सिंघाड़ी मछली है वो 1450 रुपये किलो है, मली है उसमें 800 रुपये किलो, 700 रुपये किलो। दो साइज़ हैं, छोटी 700, बड़ी 800 रुपये किलो। उसमें चिड़ा फिश है वो 500 रुपये किलो, रोहू है 550 रुपये किलो। तो ये आपको लगता है कि जो इनके रेट है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं मुझे ये कह रहे हैं कि इनके फिश के रेट ज़्यादा है सब की। तो देसी मछली जो दरिया की रिवर फिश होगी वो ज़्यादा महंगी होगी, जो जो जोनसी है फार्म वगैरह की वो 500 रुपये में किलो है, 550 रुपये में किलो है। ये जोनसी बड़ी मछलियाँ, ये सिंघाड़ी होगी, मली होगी, सोल होगी, बाम हो गया, ये रिवर फिश है दरिया की जिसको कहते हैं, वो महंगी होती है। फार्म की मछली से 200 रुपये ज़्यादा महंगी होती है। यहाँ पर एक फिश के बारे में मैंने सुना है, फौजी फिश इसे कहते हैं। हाँ जी, वो फौजी फिश है, उठा के लाए। हाँ जी, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। फौजी फिश के बारे में मैं आप लोगों को बताया है कि ये जी रोहू मछली का सिर्फ खून पीता, उसकी खुराक है। अच्छा, इसका गोश्त जो होता है वो येलो कलर रेड स्नैपर की तरह, इसमें इसके नगर्स बनाए, बोनलेस बनाए, इसकी बिरयानी, कौरमा, जो मर्जी आप चाहें इसमें ऐड करें, जो मर्जी बनाएं। हाँ जी, जो मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी खास बात क्या बताई थी आपने? ये रोहू मछली का खून पीता है बस। इसकी खास बात ये है कि ये दूसरी फिश का जो है वो खून चूसती है, तो ये तो फिर सारी मछलियों को मारती रहती होगी। जी जी, नहीं मारती नहीं है ये अपनी खुराक तो कहते हैं। जी जी जी, ये जो इसकी खुराक है इसने वही खाना है, इसकी खुराक सिर्फ ब्लड पीना है इसका, बस और कोई चीज़ नहीं होती इसका, सिर्फ एक वेन होती है। अच्छा, सिर्फ एक वेन जिसमें इसमें जो दूसरी मछली के पेट भारी नहीं होता, इसकी सिर्फ एक वेन होती है जिसमें इसमें सारा खुराक में कुछ नहीं खाना होता। अच्छा, कितने सालों से आप ये अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे अबू खड़े हैं, इनकी भी ऐड नहीं है। ये मेरे अबू खड़े हैं, इनको हो गए 30 साल यहाँ पे, इनकी 70 से ऊपर एज हो गई है, इन्होंने सारी जिंदगी मछली का काम किया। काम किया फिश का काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता जैसे लाहौरी जो है वो खाने के बड़े शौकीन हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाहौरी सिर्फ रोहू खाते हैं, ज़्यादातर बोनलेस में सोल यूज़ करते हैं, अगर वो ना हो तो अवेलेबल में सिंघाड़ी यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे पास मछली का मसाला भी है। अच्छा, मछलियों का मसाला बहुत टेस्टी मसाला है, जो भी आएगा एक दफ़ा लेके जाए टेस्ट में।
अच्छा मसाला लगा के जो देते हैं मछली को? हाँ जी, ये फ्राई मसाला है हमारा, अपना तैयार किया हुआ है अच्छे से। अच्छा, हमारे पास ग्राउंड भी होती है, फिंगर फिश भी होती है, जो चीज़ भी चाहे इंशाल्लाह। ये बाबा सादिक चौक फिश कॉर्नर है, मछली मंडी में एंटर हो सबसे फ्रंट के ऊपर उनकी दुकान है। हर तरह की मछली यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, दरिया की, समंदर की, बोनलेस, फिंगर, प्रॉन्स, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी इंशाल्लाह। और कोई फिश रह गई जिसके बारे में आपने? जी, आपको साथी खा रही है, वो चिड़ा ला के दिखा रही है। फिंगर की झींगे तो ठीक है, फिंगर की झींगे मैनू भी जल्दी इन्होंने गल्ला कर दी। ये ने ये चिड़ा फिश है, ये 500 रुपये किलो, इसमें कांटा नहीं होता। ये आज से 5 दिन पहले ये 600 रुपये में, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त रोहू से ज़्यादा लाइक कर रही है इस वक्त। ये चिड़ा फिश जो है ना, ये जो चाइनीज खाते हैं ना, हाँ ये चाइनीज़ की जो फेवरेट डिश होती है, ये चाइनीज़ बड़े शौक से खाते हैं। ये कितने की? कितने की ये सेल कर रहे हो? 2500 रुपये का पैकेट है, केजी का टाइगर पाउंड है। चले जी, ठीक है। चले जी, आज से की क्या तो पैगाम दे दे लाहौरियों को? जी, आपको बोला है जी, आप बाबा साहब चौक पे आए, हर 70 ग्राम 70 ग्राम मिलेगी, जो उससे ज़्यादा सिंगाड़ी और सॉल इस्तेमाल करें जिसमें कांटा नहीं होता, बच्चों को दें इंशाल्लाह। अच्छी से अच्छी क्वालिटी यहाँ पे, अच्छी से अच्छी फ्रेश मछली लेने के लिए यहाँ बाबा सादिक के पास आए। चलें जी, थैंक यू। चलें जी, मैंने मुझे भी आज पता चला है कि इतनी किस्म की फिश होती हैं, पता नहीं हमें तो एक फिश एक क्या पता नहीं, जो भी घर लेकर आते हैं और घर में बना लेते हैं और कहते हैं कि फ़िश बन गई अगर खा ले, और मैं खाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो आज मुझे पता चला कि किसी किस्म की फ़िश है और कितनी कितनी ये महंगी है, और इनके जो रेट है वो आसमानों पर पहुंच चुके हैं। तो वैसे तो ये कह रहे हैं कि सस्ती है, लेकिन रेट इनके जो है वो आसमानों पे हैं। लेकिन जिसने फिर भी खानी है वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर हर किस्म की मछली वो लेकर जा सकते हैं। और मैं वापस चलती हूँ, मैंने वैसे कोई फ़िश ली नहीं है क्योंकि मैंने कौन सी पकानी है, मुझे तो पकी पकाई मिल जाएगी तो मैं खा लूँगी। तो चलते हैं वापस घर, फिर तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चल रही है आया।